एफआईआर में जो वर्णित घटना है उसका समय और तारीख जरूर देखें। ये देखने के बाद ये ध्यान रखें कि आप उस घटना की तारीख पे कहाँ थे, क्या उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास। कहने का मतलब, मान लिया जाए कि 10 अप्रैल उस घटना की तारीख दिखाई गई, बताई गई है एफआईआर में, 10 अप्रैल 2023 की बात कही गई, तो ध्यान रखें कि 10 अप्रैल को आप कहाँ थे, क्या कहीं बैंक गए थे, क्या कहीं एटीएम से पैसे निकाले थे, कहीं मेडिकल स्टोर पे गए थे, या कहीं आपने कोई अन्य सामग्री खरीदी हो जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हो, या आप स्कूल कॉलेज कहीं भी गए थे, या अपने जॉब में थे। तो भाई अगर कहीं ना कहीं आप थे, या आपका वो रिश्तेदार कहीं ना कहीं था, तो उसका कुछ ना कुछ सबूत होगा। अक्सर हमने ये देखा है कि 498A के केस में या फर्जी 376 के केस में जो FIR दर्ज कराई जाती, जो उसमें घटना की तारीख बताई जाती है, बंदा कहीं और होता है, उसके पास प्रमाण भी होता है, लेकिन वो हाथ पे हाथ रख के बैठा होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। कारण क्या है कुछ ना कर पाने का? देखिए, ध्यान रखें कि कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रमाण आपके पास अगर है, तो उसका सही इस्तेमाल अगर सही समय पे नहीं करेंगे, तो फिर वो इस्तेमाल करने वाली प्रमाण जो आपके पास है और जो आपके केस को खत्म कर सकता है मिनटों में चुटकी बजा के, वो केस आप 15 साल 20 साल फालतू में लड़ते रहेंगे। ऐसे ही एक घटना की मैं बात करता हूँ कि एक 498A का ही मामला है, उसमें अभियुक्त बनाया जाता है एक ITBP का जवान है, जो कि जिस दिन की घटना बताई जा रही वो नेपाल और चाइना और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है तिब्बत वाला, जहाँ भी है वहाँ पोस्टिंग है, वो बंदा जैसे कि आज की घटना बताई जा रही 10 तारीख की, अगर 10 तारीख की घटना बताई जा रही है तो वो एक दिन पहले 9 को ही नेपाल में है, वहाँ ATM से पैसे निकाले, वहाँ की लोकेशन है। कहने का मतलब ये है, इतना सब कुछ प्रमाण होते हुए भी आपको करना क्या चाहिए? ऐसे बहुत से केस हैं जिनके पास, जिन पतियों के पास दुनिया भर के सबूत हैं, लेकिन वो फिर भी परेशान है 498A के मामले में। देखिए, अगर 498A का केस दो तरह का होता है, एक नॉर्मल धारा के साथ, एक विशेष धारा के साथ। 498A के साथ 323, 504, 506, 406 IPC व 3/4 DP एक्ट अगर है, या 34 भी है, तो कहने का मतलब ये तो सामान्य धारा हो गई। अगर 498A के साथ 376 ऐड है, 354 ऐड है, 377 ऐड है, अगर ऐसी धाराएं ऐड हैं, तो इसके साथ भी अगर आपके पास, सवाल यही है कि अगर आपके पास प्रमाण है तो वो क्या करें। पहली बात तो FIR दर्ज होते ही एक लीगल पॉइंट्स के साथ, लीगल ग्राउंड्स के साथ एक एप्लीकेशन अगर आप अपने से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते हैं, तो आप किसी अधिवक्ता को हायर कर लें जो इस संबंध में जानकार व्यक्ति हो। आप उनसे कहें कि एक एप्लीकेशन तैयार करें FIR लगाने के लिए या नाम कटवाने के लिए। भाई, पुलिस के पास जो FIR दर्ज की गई वो सही है, क्या है, गलत है, पत्नी ने पूरा झूठा लिखा है, वो जांच का विषय हो गया, लेकिन आप अपनी बात कैसे रखेंगे? आपके पास भी ये राइट्स है कि जैसे ये FIR हुई, आपको जानकारी हुई, आप सीधे तौर पे एक एप्लीकेशन बनाएं, वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल एक आवेदन दें। वो क्या होगा भाई, कभी भी पुलिस ये नहीं कह सकती कि अगर आपको जानकारी हुई तो आपने क्या किया। अगर ये सबूत आप डायरेक्ट जाके थाने पे देंगे, दरोगा को देंगे, IO को देंगे, तो वो किसी काम का नहीं होगा, 100% वो किसी काम का नहीं होगा, वो कूड़े में चला जाएगा। लेकिन जब आप वरिष्ठ अधिकारियों के थ्रू बाई पोस्ट देंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी उस पर कुछ न कुछ विचार करना, सोचना, नाम काटना। ध्यान रखें, नाम काटने के लिए लोग 50,000, 20,000, 40,000 दे देते हैं, लेकिन एक मात्र एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूँ उसके दे देने से गारंटी है। भाई, आप प्रमाण दे रहे हैं कि ननद यहाँ था, नंदोई यहाँ था, हम यहाँ थे, ससुर यहाँ था, देवर यहाँ था, जब प्रमाण देंगे आप, तो वो किसी भी तरह से जांच का विषय आएगा, जांच करने पे दरोगा मजबूर होगा, और उसकी मजबूरी होगी नाम काटना, और इसलिए मजबूरी होगी कि आप आगे चल के कोर्ट में कहेंगे
कि साहब ये एफआईआर गलत हुई थी, मैंने बार बार कहा, आवेदन दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई मेरे एप्लीकेशन पे नहीं की गई। ध्यान रखें, अगर नहीं की जाती आप डायरेक्ट कोर्ट में भी मुकदमा कर सकते हैं उन पुलिस वालों पे और अपने विपक्षी पे। तो कोई भी कार्रवाई किस तरीके से करनी चाहिए ये बहुत बड़ा विषय होता है। दूसरी बात ये, अगर सारे प्रमाण हैं, चार्जशीट में फिर भी नाम चला गया, पहली बात तो अगर ये कार्रवाई कर देंगे तो नाम नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, फिर भी मान लेते हैं दरोगा ने लगा दिया, तो जिस दिन आप 482 में जाएंगे, एफआईआर क्वेश्चन की बात करेंगे, चार्जशीट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, ऐसे कई जजमेंट्स हैं, हमने पिछले वीडियोज में बनाया भी है इस पर वीडियो, कि 100% क्वेश हो जा रही है ऐसी चार्जशीट। तो आप कोई भी मौका देखिए, एफआईआर होते ही आप क्वेश्चन में जाएंगे तो हो सकता है लाभ आपको ना मिले। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी ये बात जानती है, भाई अभी तो जांच चल रही है ना, जब चार्जशीट फाइल हो आपके खिलाफ, जो चार्जशीट में लगी, जो धाराएं लगी, जो नाम लगे, नहीं कटे, आपने सारी जद्दोजहद कर ली, सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लिया, तब आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। 482 में तब जाइए, 100% लाभ मिलेगा। या फिर बेल अगर करा लिए, कुछ लोग का कहना है भैया हमने बेल करा लिया, अब 482 में नहीं जा सकते, तब क्या करें? तो 100% बेल करा लिया, डिस्चार्ज मूव कर दो, धारा 227 CRPC में आप डिस्चार्ज करो, गारंटी है सबका नाम कट जाएगा, और जो बचा भी रहेगा पति का भी डिस्चार्ज में, हाई कोर्ट जब जाएंगे, अगर नहीं कटता है, सेशन ने भी नहीं काटा, लोअर कोर्ट ने भी नहीं काटा, सेशन ने भी नहीं काटा, तो पति का भी नाम क्वेश हो जाएगा।